हेलो स्टूडेंट्स, तो एच सी और नोटबुक का कैपेसिटर का हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर। C1 2 माइक्रोफेराडे, C2 4 माइक्रोफेराडे, C3 6 माइक्रोफेराडे एंड वोल्टेज हमें 12 वोल्ट गिवन है। तो देखो बच्चों, ये बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की लगी हुई है यहाँ से, तो इसको ए पॉइंट और इसको अगर मैं बी पॉइंट नेम देता हूँ, तो देखो ये इसके पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल, इसको हम तीनों कैपेसिटर क्या लगे हैं, उसके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज जाएगा उसको मैं Q1 कंसीडर कर सकता हूँ, है ना। तो Q1 अगर मैं निकालता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C1 इंटू V। तो C1 कितना है, 2 माइक्रोफेराडे इंटू, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज मुझे कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली Q2 अगर मैं निकालता हूँ तो वो C2V हो जाएगा। अब C2 कितना है बच्चों, 4, तो 4 इंटू 12 अगर मैं करता हूँ तो 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं C3 निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, C3V। अब C3 कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 12 करेंगे तो 72 माइक्रो कूलम चार्ज हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस 20, 30 एंड 40 माइक्रोफेराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। देखो 3 कैपेसिटर हमें दे रखे हैं, 20 एंड 30 एंड 40, तो ये तीनों एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ये 20 माइक्रोफेराडे है, ये 30 माइक्रोफेराडे है और ये 40 माइक्रोफेराडे। तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज देखो जो बैटरी से निकलेगा वही चार्ज इन तीनों से जाएगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालूं, ठीक है, सीरीज में है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40, LCM यहाँ से मैं ले लेता हूँ 120, तो ये 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 13/120 माइक्रोफेराडे आएगा। और CS रिजल्टेंट निकालता हूँ तो रिवर्स हो जाएगा माइक्रोफेराडे। नाउ अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालता हूँ, क्योंकि चार्ज पूछा है, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 120/13 माइक्रोफेराडे और वोल्टेज कितनी है, 12। तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 × 12 हम करेंगे तो 144/13, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 × 13 0.7 माइक्रो कूलाम, ठीक है, माइक्रो कूलाम चार्ज हमारे पास यहाँ से टोटल निकल कर आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 111 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। नाउ अब हमें निकालना है हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज मेरे पास आ गया 110.7 माइक्रो कूलाम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 12 है, है ना। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 का इसके साथ, तो 12 7 4 टाइम्स जाएगा ये, सॉरी 84 होगा, तो 484 का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 12 1 जा 12 1 और 12 1 जा 13, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 133 एंड जो पावर्स है, ठीक है, 1330 × 10⁻⁶ जूल। और पॉइंट्स अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 1.33 × 10⁻³ जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 8 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर शोन इन फिगर। तो देखो 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, ये दोनों हमें पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो पैरेलल होने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो 8 माइक्रोफेराडे हो जाएगा। फिर ये और ये दोनों सीरीज में,
तो सीरीज़ में अगर मैं यहाँ से दोनों को कैलकुलेट करता हूँ तो 1/8 + 1/8 यानी एलसीएम लेंगे तो 2/8 आ जाएगा हमारे पास, यानी ये 4 बार कटेगा, तो टोटल जो मेरे पास सीरीज़ यानी मिला के आया वो 4 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर आ गया। तो इस 12 वोल्ट से जो टोटल चार्ज निकल रहा है, टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी, तो इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकल रहा है बच्चों? Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो टोटल कैपेसिटेंस है 4, V कितना है 12, तो 48 माइक्रो कूलाम टोटल चार्ज निकल रहा है, ठीक है। तो यानी 8 माइक्रो को कितना मिलेगा, ठीक है, 8 माइक्रो फेराडे पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन 8 माइक्रो फेराडे वो कितना आ गया, 48 माइक्रो फेराडे। अभी चार्ज जब यहाँ से जाएगा, देखो दोनों इक्वल कैपेसिटर हैं, तो आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन बोथ 4 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर्स वो कितना हो जाएगा, दोनों का आधा आधा यानी 24 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टेक C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रो फेराडे एंड C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फेराडे इन गिवन फिगर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स इंडिकेटेड। ओके, तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। बात कर लेता हूँ, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये C1 C2 दोनों पैरेलल में और ये C1 C2 भी दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो अगर इस सर्किट को मैं सॉल्व करता हूँ, C1 कितना दे रखा है 4 और C2 कितने दे रखा है 6, दोनों पैरेलल में कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ से ए पॉइंट के बीच में एक 10 यहाँ पर हो गया और दूसरा ये भी दोनों सीरीज़ में, तो एक 10 यहाँ पर हो जाएगा। अभी दोनों किस में हो गई, सीरीज़ में हो गए, है ना, 10 माइक्रो फेराडे ये और 10 माइक्रो फेराडे ये। तो सीरीज़ में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों का सम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ऊपर 100 / 20, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो जो फर्स्ट का आंसर है मेरे पास CS वो कितना आ गया, 5 माइक्रो फेराडे आ गया। अब ऊपर देख लेते हैं, देखो ये एक जो सर्किट है यहाँ से तक ऊपर वाला सर्किट सेम है और नीचे वाला सर्किट सेम है, तो ऊपर वाले का कितना आया 5 माइक्रो फेराडे आया जो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से कैलकुलेट करके, और इसका भी कितना आया 5 माइक्रो फेराडे आया। तो दोनों किस में लगे हैं, ये पैरेलल में लगे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन यानी 5 माइक्रो फेराडे + 5 माइक्रो फेराडे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 माइक्रो फेराडे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो ये हमें फिगर दे रखा है, इसमें देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बैटरी में भी कॉमन है, इस वाले कैपेसिटेंस में भी कॉमन है और 6 वाले कैपेसिटेंस में भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 5 + 6 यानी 11 माइक्रो फेराडे हो जाएगा। और वोल्टेज हमें दे रखी है बच्चों 10 वोल्ट। तो हमें क्या पूछा है इसमें, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C कितना है 11 और ये कितना है 10 माइक्रो कूलाम यानी 110 माइक्रो कूलाम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।